और अपने प्रोडक्ट वहाँ पहुँचा सकता है, वही सिकंदर बन सकता है। तो हम भी विश्व की अन्य कंपनियों की तरह इस दौड़ में लग गए ताकि हम अपने भारतवर्ष के लिए डॉलर्स वापस ला सकें। सर, आपने हेल्थ केयर में भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स निकाले हैं, उनके बारे में बताइए कुछ। सर, माइक्रोटेक ने हमें ये सूचना मिली, मैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे रहता हूँ, CII का मैं हिमाचल स्टेट का वाइस चेयरमैन हूँ, अगले वर्ष चेयरमैन बन जाऊँगा, मैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पैटर्न मेंबर भी हूँ, मैं अन्य कई संस्थाओं का प्रेसिडेंट हूँ। तो इन सब प्लेटफॉर्म्स पे जो हमारे मुद्दे होते हैं, पॉलिसी एडवोकेसी और सरकार से निरंतर हमारा विचार विनिमय होता है। तो मेरे संज्ञान में ये बात आई कि करीब 45,000 करोड़ का इम्पोर्ट भारतवर्ष में होता है। EMTZ जो विशाखापट्टनम में है, डॉक्टर जितेंद्र ने मुझे ये सूचना दी कि एक माइक्रोटेक जैसी कंपनी को आगे बढ़ना चाहिए। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि 45,000 करोड़ का विदेशी माल अगर इंडिया में इम्पोर्ट होता है तो क्यों ना भारतीय कंपनियाँ इस क्षेत्र में आगे आएँ। तो वहाँ पे हमने 2 एकड़ का प्लॉट लेके एक बड़ी फैक्ट्री का निर्माण अभी जारी है और हम करीब 10,000 करोड़ का इम्पोर्ट रिप्लेस करना चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत से, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट से, जिसमें कि हम ऑलरेडी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 5 लीटर्स 10 लीटर्स 100% मेड इन इंडिया, वी आर द ओनली कंपनी जो ये कंसंट्रेटर बना के उपलब्ध करा रही है। हमने ONGC को 11,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 लीटर कैपेसिटी के दिए, जो किसी भी तरह से विश्व की किसी भी कंपनी से कम नहीं है। दे कम्पीट अगेन डेविल ब्लिस एंड फिलिप्स। उसके बाद हमने 50 लाख से ज़्यादा ऑक्सीमीटर मेक इन इंडिया बनाए, इंफ्रारेड थर्मामीटर्स बनाए, अब नेबुलाइज़र भी हमने बनाने शुरू कर दिए हैं, उसके बाद BP मीटर, एक्यूप्रेशर मीटर, और इन सब के बाद आने वाले समय में हमारी डेवलपमेंट और रिसर्च वर्क जारी है। हम अल्ट्रासाउंड मशीन्स, एक्सरे मशीन्स, और फिर आगे बढ़ के आने वाले सालों में CT स्कैन तक जाएंगे। ये इस कंपनी का उद्देश्य है, हमारी हेल्थ डिवीजन का। सर, ये ओमिक्रॉन जो आ रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आपका बिजनेस का क्या असर पड़ा गया? क्योंकि जगह जगह नाइट कर्फ्यू स्टार्ट हो गए, आज दिल्ली से स्टार्ट हो गया और भी जगह स्टेट में नाइट कर्फ्यू स्टार्ट हो गया। सर, तो उसका क्या है? मैंने ये न्यूज़ पढ़ी कि अभी कुछ स्टेट्स में संक्रमण जो है 0.2% की दर से है। दिल्ली में ऐसा मेरे संज्ञान में आया कि ये अभी 0.4 के करीब पहुँच गया है। मुझे जहाँ तक मालूम है कि 0.5% जब संक्रमण हो जाता है तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं। बंद हो गए सर। एक अच्छी बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों में से करीब 100 करोड़ लोगों को डबल डोज लगवा दी है और भारतवर्ष को इसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। हाँ, हमें संयम से रहना चाहिए, क्योंकि अगर मौतें कम भी होती हैं तो फिर भी एक भी व्यक्ति क्यों मरना चाहिए? हर लाइफ, हर जान इम्पॉर्टेंट है। और अगर हमें फ्लू होता है, हाई फीवर होता है या हमारे किसी ऑर्गन के ऊपर इम्पैक्ट आता है तो ऐसा भी क्यों होना चाहिए? तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगा, पूरे समाज से, सभी लोगों से, कि पूरा ख्याल रखें, मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी को बनाए रखें। ये ओमिक्रॉन अभी तक की जो सूचना है वैश्विक, बहुत ज़्यादा घातक नहीं है। भारतीयों के अंदर उतनी इसको अवरोधक क्षमता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही बरतें जिससे कि हम संक्रमित हों। जहाँ तक बिज़नेस का सवाल है तो बहुत ज़्यादा बिज़नेस इम्पैक्ट इस बार नहीं होने वाला। लोग मानसिक रूप से तैयार हैं, हमारी सप्लाई चेन्स इम्प्रूवमेंट हो चुकी, हमारे IT इम्प्रूवमेंट हो चुके, हमारे जो भाई हैं ट्रक ड्राइवर्स वाले, उनका डर निकल चुका, रेलवे के अंदर एडिशनल कोचेज लग चुके, तो ये बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। 10-5% अगर कर भी गया तो अलग बात है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो आ सकता है वो किसी भी रेस्ट्रिक्शन से होटल इंडस्ट्री को, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को आ सकता है हेल्थ केयर के अंदर। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली प्रोवाइड करने, इनकी तो मार्केट ऐसे समय में बढ़ती है, अगर सरकार सप्लाई चेन और ट्रक्स और ये सब चलते रहें तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लोग घर पर होते हैं, बिजली का कट वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। थैंक यू सर जी।